मथुरा जिले में अपराधिक घटनाएं थम नहीं रही है। एक के बाद एक हो रही वारदात से जहां सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं लोगों में भी दहशत का माहौल है। बिजली विभाग के अवर अभियंता और सराफ की हत्या के 10 दिन बीते नहीं थे कि हत्या की एक और वारदात से सनसनी फैल गई। गोवर्धन थाना क्षेत्र के गांव जतिपुरा में हरियाणा के रहने वाले 45 वर्षीय ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविवार की सुबह ठेकेदार का शव मकान में पड़ा मिला, उसको 4 गोलियां मारी गई है। सूचना पर फोर्स के साथ पुलिस अफसर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम ने पहुंचकर घटनास्थल पर छानबीन शुरू की। पुलिस के अनुसार शिव कुमार काले मकान बनवाने का ठेका लेते थे। वो गांव ननहेड़ी थाना गन्नौर जिला सोनीपत के रहने वाला था। वो 4 महीने से जतिपुरा के जाट चौपाल के समीप कोली मोहल्ला में दिल्ली निवासी सुशील वायती के मकान में अकेला ही किराए पर रह रहा था। गिरिराज जी परिक्रमा दंडवती शिला के समीप उसका बिल्डिंग का काम चल रहा था। रविवार की रात शिव कुमार अपने कमरे में आकर सो गया। रविवार की सुबह पड़ोसी अनुज शुक्ला ने दूसरे घर से पानी की मोटर चलाने की आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं मिला। इस पर उसने नीचे आकर देखा तो कमरे का गेट खुला पड़ा था। चारपाई शिव कुमार का शव था। कंबल उठाकर देखा तो उसे पता चला। उसने इसकी सूचना गांव के प्रधान प्रतिनिधि सत्तो ठाकुर को दी। सूचना पर पुलिस पहुंची। फोरेंसिक एंड डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। पुलिस ने गहनता से घटनास्थल पर छानबीन की। एसपी क्राइम राधेश्याम राय ने बताया कि 3 गोलियां मारकर ठेकेदार की हत्या की गई है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। हत्या के आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि जमुनापार क्षेत्र में 16 जनवरी को रात लुटेरों ने बिजली विभाग के अवर अभियंता प्रदीप कुमार की हत्या कर दी थी। इसके बाद 21 जनवरी की शाम को सराफ मनोज की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घायल मनोज की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसी बीच यमुना एक्सप्रेसवे पर भी लूट की 2 वारदात हुई। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? अनुज शुक्ला। क्या घटना हो गई है अभी? अभी मैंने सुबह पानी सप्लाई चालू करने आया था तो मैंने गेट खुला हुआ था। मैं डेली इनसे बोलता था, मतलब जब भी आता था कि काले भैया, मतलब आवाज़ देता था, एक मतलब हमारा जान पहचान होने के नाते। तो आज मैंने इनको देखा तो गेट खुला हुआ था तो इन्होंने इनके इसमें सर पे मतलब ब्लड निकला हुआ था। मुझे फिर डाउट हुआ कि लगता है इनकी मतलब कोई कांड हो गया है। तभी इसके बाद मैंने यहाँ पे जो जतिपुरा प्रधान जी हैं उनसे संपर्क किया। उसके बाद हमारे जो बॉस उनको मैंने बताया, फिर थाने में इन्फॉर्म किया। अच्छा, ये बताइए कैसा प्रतीत हो रहा है, प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत हो रहा है? कितनी गोलियां लगी हैं और कैसे मुझे लग रहा है कि जो इनको कम से कम 3-4 गोलियां लगी हुई है इनको पेट में, क्योंकि कंबल भी छेद है, पेट में भी है। तो क्या कुछ पता चल पाया है? नहीं, मैं तुमसे कुछ पता नहीं चल पाया, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं। आप कितने बजे आए थे? मैं सुबह 8 बजे लम्सम आया था। क्या चेन वगैरह भी गली में पाई गई है? चेन से मारने का प्रयास ऐसा कुछ प्रथम दृष्टया दिख रहा है? नहीं, मैं तो उनको ध्यान से देखा भी नहीं, मैं दूर से ही देखा हूँ। मैंने उनके पर्सनल जाके देखा भी नहीं, अभी तक मेरे कुछ देखा। अच्छा, क्या काम करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं ये? ये है हरियाणा के और यह जतिपुरा में बिल्डिंग वाला काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। तो किसके अंडर में बना रहे थे बिल्डिंग? ये कोई मनोहर बागड़ी जी है, उनका बना रहे थे। कोई कंपनी वगैरह? कंपनी नहीं है, वो किसी घर बना रहे थे, वो किसी के यहाँ पे घर है, वो घर बना रहे थे। तो कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं ये? ये तो अभी आए हैं, 2-3 महीने हुआ इनको यहाँ पे आए हुए। अच्छा, और ये मकान जो रह रहा है वो मकान किसका है? मकान तो हमारे जहाँ मैं जॉब करता हूँ हमारे बॉस का है। क्या नाम है उनका? सुशील भाई जी। जी सर, जतिपुरा में हत्याकांड हुआ है, क्या पूरा मामला है, क्या प्रकरण है पूरा, ये प्रथम दृष्टया कैसा नजर आ रहा है? देखिए, प्रथम दृष्टया तो हत्या हुई है। आइए, शिव कुमार हैं, उम्र इनकी करीब 45 साल है, सोनीपत के हरियाणा के रहने वाले हैं। ये रात में ये दरवाज़ा खोल के ही सोते हैं, हमेशा दरवाज़ा खोल के सोते हैं। रात में ये दरवाज़ा खोल के सोए थे, कंबल ओढ़े हुए थे, कंबल के ऊपर से इनको कई गोलियां मारी गई। कितनी गोलियां लगभग लगी हैं? लगभग 3 गोलियां तो अभी पता चली हैं, 3 से भी ज़्यादा हो सकती है उसके कर रहे हैं। पंचायतनामा में पता चल जाएगा, पंचायतनामा के बाद पता चल जाएगा कितनी गोलियां लगी हैं उसकी। सर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ खून के निशान नहीं दिखे हैं, तो क्या लग रहा है कि यहीं पर हत्या हुई है या फिर कहीं से कोई हत्या नहीं? यहाँ पर सोते समय ये कंबल ओढ़ के सोए थे, यहीं पर हत्या हुई है, कंबल के ऊपर से गोली मारी गई है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।